नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान के प्रमुख 150 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें यह श्रृंखला का पार्ट पहला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव हो पाता है। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव हो पाता है, या गति के कौन से नियम के कारण संभव हो पाता है। तो वह होता है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव हो पाता है जल में तैरना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल बोला जाता है उसे, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, क्या था, किसने, एस चंद्रशेखर ने यह प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, उसका आंसर क्या है, ल्यूमेन का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। कौन सी तरंगें शून्य में संचय नहीं कर सकती, तो इसका आंसर दोस्तों यह ध्वनि तरंगें शून्य में संचय नहीं करती है, या गति नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों यह बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का वास्तविक प्रतिबिंब और उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है आँख पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होती है। किसकी मात्रा नियंत्रण होती है कि अंदर आँख के अंदर कितनी रोशनी जानी चाहिए, तो यह होती है दोस्तों आयरिस के कारण संभव हो पाता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल किससे परित्यय प्रभावित होंगे। तो दोस्तों यह तरंग दैर्ध्य तथा वेग दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तन हो जाएगी और उसका वेग भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में डूबी हुई एक छड़ी, या फिर आप छड़ डालते हैं वह पानी में मुड़ी हुई आपको दिखाई देती है, वह किस कारण से संभव हो पाता है। दोस्तों है उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। जो कि जो दोस्तों तुल्यकाली मतलब यह जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी लगभग ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है धरातल से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों है अनंत संख्या होती है, यानी कि गिन नहीं सकते, क्योंकि एक एक बनेगा फिर उसके अंदर बनता है, फिर उसके भी अंदर ऐसे करके बनते ही रहते हैं, इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तु को जानने या ढूंढने के लिए किस चीज़ का यंत्र किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह दोस्तों सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोनार यंत्र का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों है 60 से 70% भाग परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है। जो छाता होता है, छतरी होती है, उसमें रंग जो होते हैं वह किस प्रकार संयोजन किए जाते हैं। दोस्तों आप देखें, ऊपर सफेद, नीचे काला। ठीक है, ये दोस्तों गलत है, ऊपर काला होता है और नीचे सफेद होता है। ठीक है, ऊपर से काला होता है और नीचे से सफेद होता है इसका रंग। ठीक है, यह इस पे गलत हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो यह दोस्तों ध्रुवण की प्रक्रिया घटित नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, यानी कि कितने बराबर है? दोस्तों यह पृथ्वी से 1/6 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, ठीक है। सम्मान है यहाँ पे, सम्मानी किस सम्मान में रखा गया, किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? दोस्तों यह एस चंद्रशेखर जी के सम्मान में रखा गया, चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? दोस्तों यह होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कूलिश नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिश नालिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों यह एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब जर्नियम जाली में आर्गेनिक्स परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? दोस्तों वह बन जाता है, वह सेमीकंडक्टर बन जाता है, क्या? वह सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह दूरदर्शी प्रकाशीय का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह नतोदर लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों यह भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? तो यह दोस्तों चश्मा पहने रहना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है? दोस्तों यह तीव्र अवशोषण कर लेते हैं कि तीव्र अवशोषण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? दोस्तों यह श्वेत प्रकाश को पैदा किया जाता है, नली तंतु को गर्म करके। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? दोस्तों यह जनित्र बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 27वां, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो दोस्तों यह दोस्तों लोहे में रहेगी, किसमें? लोहे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्रदाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपण किया जाता है, या किस हिस्से को दान किया जाता है? दोस्तों यह कार्निया को दान किया जाता है, या ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 29, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? दोस्तों यह कांच के, यानी कांच के बीचों बीच जाने से यह न्यूनतम हो जाती है, यानी यह बीच में कांच, यहाँ से यदि लाइट जाएगी तो यहाँ जाके बिल्कुल ही न्यूनतम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न है, 30वां है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? दोस्तों यह रेटिना पर बनाती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण विवरण उत्तम मापी किसके सिद्धांत नियम पर आधारित है? तो इसलिए स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही करने के लिए कौन सी घड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह
किया जाता है? परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था या प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक हार्श पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका उत्तर आंसर है ये दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 35वां है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? किसके माध्यम से आती है दोस्तों? यह विकिरण प्रकार के संचार द्वारा आती है, यानी कि विकिरण के माध्यम से आती है। इसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? दोस्तों यह 40 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है? किसके परिवर्तन के कारण निकलती है दोस्तों? यह द्रव ऊर्जा के परिवर्तन के कारण निकलती है। किसके? द्रव ऊर्जा परिवर्तन के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न, जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है? जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है? तो ऊष्मा का मान होता है, यानी कि ऊष्मा सबसे विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा रहती है। किसमें? ऊष्मा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? दोस्तों यह अब रक्त किरणें गर्म कर देती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर दोस्तों यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। किसके? न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? इसका आंसर है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग हैं? प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग हैं दोस्तों? यह अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज़्यादा क्या महसूस करते हैं दोस्तों? क्या महसूस करते हैं? ठंड महसूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परास्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? परास्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? इसका आंसर दोस्तों यह गाल्टन ने उत्पन्न किया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी दोस्तों? यह मैक्सवेल के द्वारा की गई थी इसकी खोज, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, क्यूरी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? यह धार्मिता इकाई की इकाई का नाम है, ठीक है। धार्मिता की इकाई का नाम है क्या? क्यूरी रेडियो एक्टिव। इसके बाद अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है या लेंस किसकी तरह कार्य करता है? जो लेंस लगा रहे थे कैमरे में, तो उसे है आँख की रेटिना की भांति कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? इस सदी में शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? किया गया था राइट्स ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। किसके? राइट्स ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों
मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको मिलेगी 101 से लेकर 150 तक प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।